हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मूंग डोसा या ग्रीन ग्राम डोसा। इसकी स्टफिंग में हम वेजिटेबल्स डालेंगे, तो आप इसे ब्रेकफास्ट या डिनर में भी खा सकते हैं। इसके लिए हम एक कटोरी मूंग लेंगे। इसे हम लगभग एक घंटे के लिए भिगो देंगे। इसे हम साइड में रख देंगे और हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग के लिए हम पैन में 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो जाए फिर इसमें डालेंगे हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च चॉप की हुई। इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। फिर इसमें डालेंगे प्याज। इसमें मैंने 2 छोटे प्याज लिए हैं, इसको स्लाइस किया है। हमें प्याज को ब्राउन नहीं करना है, हल्का से ये पिंक हो जाए बस इतना ही करना है। प्याज पिंक हो चुके हैं, इसमें हम डालेंगे पत्ता गोभी। आप जितनी भी वेजिटेबल्स लें उसमें पत्ता गोभी की क्वांटिटी डबल रखें। ये पत्ता गोभी पकने के बाद क्वांटिटी में आधी हो जाती है। हम पत्ता गोभी को थोड़ी देर तक भून लेंगे। ये क्वांटिटी में आधी हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे गाजर। मैंने एक गाजर लिया है, उसे भी लंबी स्ट्रिप्स में कट किया है। आप चाहे तो अपने हिसाब से अपनी चॉइस के शेप में कट कर सकते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च, इसे भी मैंने लंबे स्ट्रिप्स में कट किया है। हम सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे मसाला, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और गरम मसाला चुटकी भर। हम इसमें और कोई मसाला नहीं डालेंगे। इसे हम ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब हम चेक कर लेते हैं, हमारी सब्जियाँ तैयार हो चुकी है, बिल्कुल रेडी है हमारी स्टफिंग। तो हम इसे निकाल लेंगे और साइड में रख देंगे। डोसा बनाने की जो स्टफिंग है वो तैयार हो चुकी है, तो इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। मूंग को भिगोए 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसे पीस लेंगे थोड़ा सा पानी डालकर। हम इसे फाइन पेस्ट बनाएंगे और हल्का सा दरदरा भी रखेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। डोसा बैटर जैसी इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। टोटल इसमें 2.25 कटोरी पानी लगा है। तो अब याद रखिए, 1 कटोरी मूंग थी तो उसमें 2.25 कटोरी पानी लगा है। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा। भुना हुआ जीरा बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। हमारा डोसा बैटर बिल्कुल तैयार है। अब हम डोसा तैयार करेंगे। तवे पे थोड़ा सा पानी छिड़केंगे और उसे कपड़े की मदद से पोंछ लेंगे। इससे तवा थोड़ा ठंडा हो जाता है और जो हमारा डोसा बैटर हम जब डालेंगे तो बिल्कुल जल नहीं जाएगा। हम थोड़ा थोड़ा करके डोसा बैटर डालेंगे और उसे फैला लेंगे। थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, उसे साइड से पकने देंगे। हम इसे बनाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे। इसकी साइज़ ब्राउन होने लग जाए मतलब ये एक साइड से पक चुका है। इसे धीरे से हम साइड से निकाल लेंगे। हम इसे दूसरी साइड पे बहुत कम देर तक पकाना है, लगभग 15 से 20 सेकंड तक। इस टाइम पे हम गैस को स्लो कर देंगे और इसमें हम डालेंगे स्टफिंग को एक साइड पे। आप ज़्यादा या कम स्टफिंग डाल सकते हैं। ये डोसा क्रिस्पी ही अच्छा लगता है, तो आप इसे तुरंत सर्व करें। इसी तरह से हम बाकी डोसा भी तैयार करेंगे। एक कटोरी मूंग में लगभग 6 से 7 डोसा बन जाते हैं। आप इसमें एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी आप साइज़ बनाएंगे डोसा की वो हल्की सी श्रिंक होती है। आप मेरी वीडियो में भी देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा बड़ी साइज़ का डोसा बनाया था, बट वो बनने के बाद थोड़ा सा श्रिंक हो गया था। आप वेजिटेबल्स में भी और अपनी चॉइस की वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। हमारा डोसा तैयार है। ये नारियल की चटनी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे यूं भी खा सकते हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।